साई राम चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, है ना? बहुत बढ़िया। और समर वेकेशन में क्या किया आप लोगों ने? बहुत सारी चीजें सीखी, है ना? जब हमारी मीटिंग हुई थी तो सभी लोगों ने खूब सारी चीजें बताई कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसी ने स्विमिंग सीखा, किसी ने ड्राइंग सीखा, किसी ने बहुत सारे मास्क बनाए न्यूज़पेपर से, और किसी ने साइकिलिंग किया, किसी ने टेस्टी टेस्टी फूड खाया, किसी ने बहुत सारे बच्चों ने अपने मम्मा की हेल्प की है छोटे छोटे कामों में। तो उन सब के लिए आपको क्लैपिंग, ठीक है? और साथ में हमने क्या किया, मम्मी तो छोड़ती नहीं है, मम्मी तो सबको पढ़ाती है ना? तो मम्मा ने थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी सिखाया, थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें भी सिखाई। वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब ये बताइए कि अब हमें वापस पढ़ाई के मोड में आना है। हमने खूब मस्ती कर ली है, अब हमको फिर से जो हम सीख रहे थे उसको कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा? तो आपको किसी को याद है कि हमने लास्ट वीडियो कौन सा देखा था? याद है किसी को? यस, मुझे मालूम है आपको याद होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा लास्ट वीडियो कौन सा था। ईक, ईक हमने लास्ट वीडियो सीखा था, ईक। और उससे पहले कौन से फोर लेटर सीखे थे? अ अनार, आ आम, ई इमली और ई ईक, है ना? ये हमने चार लेटर्स सीखे थे। अब ई ईक के बाद क्या आता है? ऊ उल्लू, ऊ उल्लू। तो जब हम ऊ उल्लू सीखेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हम सीख चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। ये हमारी गोल्डन की है, हमेशा याद रखना है कि जो हमने सीख लिया है उसको हमें एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? तो अभी हम आज जो रिवीजन करेंगे, जो रिवाइज करेंगे चारों लेटर्स का, उसको हम गा के करेंगे। आप भी मेरे साथ में गाइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलिए, मुझे याद तो नहीं है, मैं देखकर बोलूंगी, आप भी देखकर बोल सकते हैं, और जब आपको याद हो जाए तो मेरे लिए एक छोटा सा वीडियो बना दें, ठीक है? चलिए सुनते हैं, ठीक है? आ से अनार दानेदार, गाओ मेरे साथ। आ से अनार दानेदार, स्वाद है इसका बड़ा मजेदार, स्वाद है इसका बड़ा मजेदार। आ से आम फलों का राजा, आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा, मीठा मीठा ताजा ताजा। आप लोग पीते ना भी समर में मैंगो शेक, मैंगोज भी खाते हैं, है ना? बहुत तरह तरह के मैंगोज आते हैं। तो ये क्या है? आ आ आम, क्या है इसका? आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा। ई से इमली खट्टी है भाई, ई से इमली खट्टी है भाई, हमने इसकी चटनी बनाई, हमने इसकी चटनी बनाई। ई से ईख उगाओ रे भैया, ई से ईख उगाओ रे भैया, गुड़ और चीनी खाओ रे भैया, गुड़ और चीनी खाओ रे भैया। ये हमने फुल लेटर्स सीख लिए थे। अब हमको कौन सा सीखना था? ऊ उल्लू, ऊ उल्लू। तो ऊ उल्लू के लिए भी मैंने एक दो लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा है? ऊ से उल्लू की क्या बात, क्या है? ऊ से उल्लू की क्या बात, उड़ता फिरता सारी रात, उड़ता फिरता सारी रात। रात में क्यों उड़ता है वो? सारे पक्षी तो दिन में उड़ते हैं, तो उल्लू क्यों रात में उड़ता है? क्योंकि उल्लू को रात में ही दिखाई देता है, दिन में उसको नहीं दिखाई देता। तो रात में क्या करता है वो? अपना जो खाना है वो रात में ढूंढता है और अपने घोंसले में रख लेता है, क्योंकि उसको दिन में नहीं दिखाई देता है। तो आज हम कौन सा लेटर सीखने वाले हैं? ऊ उल्लू। तो चलिए देखते हैं ऊ उल्लू को सीखने के लिए हम मैम ने क्या बनाया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप ध्यान से उसको देखना। ये देखिए,
पे आ गए। अभी जब हमने जो जितने स्वर सीखे हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं, स्वर सीख रहे हैं, उसके बाद हम व्यंजन सीखेंगे। तो स्वर सीखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो बच्चे हैं आपके जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, बदमाशी कर रहे हैं, जैसे आप लोग बदमाशी करते हैं ना वैसे वो भी बदमाशी कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। और ये क्या है, अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईक। अब आज हम सीखेंगे ऊ उल्लू। ऊ उल्लू की एक छोटी सी कहानी है, इसको आप देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पे शब्द शुरू हुए हैं वो ऊ से शुरू हुए हैं। ऊ उमा, ऊ उज्जवल, ऊ उड़न खटोला, ऊ उपहार, ऊ उल्लू, ऊ उपवन, ऊ उदित, ऊ उमेश, ठीक है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी आप भी बना सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं, मुझे सुना सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, ऊ उदित और ऊ उमेश दोनों कहाँ खेल रहे थे, ऊ उपवन में। ऊ उपवन मीन्स गार्डन में खेल रहे थे। और जब उदित खेलते खेलते उसने क्या देखा कि एक पेड़ के ऊपर ऊ उल्लू बैठा हुआ है, और उस ऊ उल्लू को देख के ऊ उदित डर गया, बुरी तरीके से डर गया और जोर जोर से रोने लगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है, इस उपवन में तो बहुत सारे उल्लू है, प्लीज मुझे घर ले चलो। अब क्या हुआ, ऊ उमा और ऊ उज्जवल अपने उड़न खटोले से, अपना उड़न खटोले में बैठकर ऊपर उड़ रहे थे। उड़न खटोला मतलब उड़ने वाला झूला, उड़ने वाला झूला, वो उसमें ऊपर बैठकर उड़ रहे थे। अब ऊ उमा को किसी के रोने की आवाज आई, तो उसने ऊ उज्जवल से बोला, उज्जवल रुको 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 रुको, देखो यहाँ पे कोई बच्चा रो रहा है। और उसने नीचे देखा तो वाकई में ऊ उदित रो रहा था। तो ऊ उमा को एक आइडिया आया, उसने क्या किया कि मेरे पास में जो ऊ उपहार है, उपहार मीन्स गिफ्ट, जो मेरे पास में ऊ उपहार है वो मैं ऊ उदित को दे देती हूँ। और उसने क्या किया, ऊपर से एक प्यारा सा सुंदर सा गिफ्ट उपहार उदित को दे दिया। और उदित उपहार पाके खूब खुश हो गया, करने लगा, या मुझे गिफ्ट मिला, मुझे गिफ्ट मिला। और इस तरीके से उदित खुश हो गया। इस तरीके से आप भी कुछ भी एक कहानी मुझे ऊ से रिलेटेड सुना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऊ के शब्द के मात्रा के शब्द हैं, ऊ के जिससे कि जो शब्द है वो ऊ से शुरू होता है, ठीक है। ऊ उमा, ऊ उज्ज्वल, ऊ उपहार, ऊ उपवन, ऊ उड़न खटोला, ऊ उल्लू, ऊ उदित। ये देखिए यहाँ तो मैं एक पेन ले लेती हूँ, अब आपको आसानी रहेगी बताने में। ऊ उमा, ऊ उज्ज्वल, ऊ उपहार, आप भी मेरे साथ बोलेंगे बेटा, ऊ उपवन, ऊ उड़न खटोला, ऊ उल्लू, ऊ उदित, ऊ उमेश। एक बार फिर से रीड करेंगे, ऊ उमा, ऊ उज्ज्वल, ऊ उपहार, ऊ उपवन, ऊ उड़न खटोला, ऊ उल्लू, ऊ उदित, ऊ उमेश। ये सारे शब्द हमने कहाँ सुने थे, स्टोरी में, ऊ की कहानी में हमने ये सारे शब्द सुने हुए हैं, है ना। चलिए अब हमें देखना है कि इसको हम ऊ को लिखते कैसे हैं, हमें लिखना भी तो सीखना है ना इसको, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर दिया मैंने और अब मैं यहां से इसको स्टार्ट करूंगी। ये क्या है, ऊ उल्लू, ऊ उंगली, ऊ उंगली,
आपकी भी छोटी छोटी प्यारी प्यारी उंगलियां है ना आपके पास में भी, ये वही है उ उंगली। उ उल्लू, उ उल्लू और उ उंगली, ठीक है। इस तरीके से आप भी पिक्चर्स बना सकते हैं, बहुत इजी है पिक्चर्स बनाना ये वाली। अब हम स्टेप में चलेंगे, हमें फर्स्ट स्टेप में कैसे लिखना है, बहुत इजी है उ लिखना। हमको इसको हमेशा तीन लाइन में ही यूज करना है, हमको हमारे कॉपी में फाइव लाइंस होती हैं, लेकिन हमें ऊपर की और सबसे नीचे की छोड़ देंगे और बीच की लाइन में थ्री लाइन में लिखेंगे। फर्स्ट कर्व हमने बनाया स्मॉल कर्व, अब सेकंड स्टेप में हम फर्स्ट कर्व बनाएंगे, देन वी विल मेक अनादर कर्व, एक और कर्व बनाएंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम फर्स्ट कर्व बनाएंगे, फर्स्ट कर्व बनाया, फिर सेकेंड कर्व बनाएंगे एंड वन स्लीपिंग लाइन मेक्स उल्लू, उ उल्लू। अब एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, उ उल्लू, फर्स्ट कर्व सेकेंड कर्व एंड वन स्लीपिंग लाइन मेक्स उ उल्लू, उ उल्लू। ये देखिए उ उल्लू, बहुत इजी है, आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं और इसकी पिक्चर्स भी आप बना सकते हैं। दो सर्कल हैं, वन बिग सर्कल एंड वन स्मॉल सर्कल, आईज भी सर्कल से है, नोज स्मॉल ट्रायंगल है, ईयर्स भी स्मॉल ट्रायंगल है। ये देखिए उ उल्लू, उ उंगली, उ उल्लू, उ उंगली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बेटा, देखा आपने कैसे हमने बनाया उ उल्लू। आपको भी अपनी थ्री लाइंस में इसी तरीके से फाइव लाइन की कॉपी में बीच की थ्री लाइंस को यूज करना है और उसको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। और आप बना ले तो मुझे बना के एक छोटा सा वीडियो या फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और गाना गा के देखते हैं उसको, आप भी मेरे साथ में गाइए, ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, आ से अनार दानेदार, स्वाद इसका बड़ा मजेदार, आ से आम फलों का राजा, आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा, मीठा मीठा ताजा ताजा, ई से इमली खट्टी है भाई, ई से इमली खट्टी है भाई, इसकी हमने चटनी बनाई, इसकी हमने चटनी बनाई, इसे एक लगाओ रे भैया, इसे एक लगाओ रे भैया, गुड़ और चीनी खाओ रे भैया, गुड़ और चीनी खाओ रे भैया, उसे उल्लू की क्या बात, उसे उल्लू की क्या बात, उड़ता फिरता सारी रात, उड़ता फिरता सारी रात। आप भी इसको याद कर लीजिएगा और मुझे एक वीडियो बना के भेजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, बाय बाय, साईं राम।